बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम अलैकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, मैं अपने चैनल पर आप लोगों को वेलकम करती हूँ। बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश खुर्रम रखे, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। तो फ्रेंड, बहुत सारी दुआओं के साथ साथ बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत फ्लावर के आइडियाज़ और डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये हम पैटर्न की शक्ल में लेकर आते हैं। पैटर्न से आप देख सकते हैं, देखिए कितने प्यारे प्यारे कलर लगाकर कितना ख़ूबसूरत पैटर्न बनाया हुआ है। आप चाहें तो इस तरह किसी भी चीज़ पर बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ये देखिए, एक ऊन का छोटा सा पैटर्न बनाया हुआ है और आप इस तरह की शेप बना सकते हैं। आप बड़ी छोटे साइज़ से बना सकते हैं। आपको ये फैब्रिक नज़र आ रहा है उभरा हुआ, जैसा क्रॉस स्टिच है ये, और इससे थोड़ा सा चेन इससे पहले वाला था। तो आप इस तरह क्रॉस स्टिच के बाहर डिज़ाइन बनाना चाह रही हैं। आउटलाइन जो हमारा एक डंडी टांका होता है, इसके इर्द गिर्द हम बखिया टांके से, जिसे डंडी टांका भी कहते हैं, बखिया टांका भी कहते हैं, इर्द गिर्द एक एक स्टिच में इर्द गिर्द लगाते जाएंगे तो हमारा डंडी टांके से आउटलाइन बन जाती है। आउटलाइन की अपनी ही एक खूबसूरती है। आप किसी भी शेड के साथ, जैसा कि हमारी ये पत्तियों का शेप है, इस पर हम ब्राउन कलर की लगाएं तो वो बहुत प्यारी लगेंगी, और फ्लावर के साथ हम ब्लैक कलर की लगाएंगे आउटलाइन तो वो भी बहुत प्यारी लगेगी। हम चाहें तो पत्ती या लीव के इर्द गिर्द भी ब्लैक कलर की आउटलाइन लगा सकते हैं, वो बहुत ही प्यारी लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए।